ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी, पंजाब की हमने बात की, लेकिन अब हरियाणा के भी आप प्रभारी हैं, हरियाणा की बातचीत भी कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर देखते हैं कि आप लगातार गुटबाजी को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी जब आपके नेता आते हैं, किसी रैली में सामने आते हैं, तो लाल और गुलाबी पगड़ी की लड़ाई जो है वो लगातार दिखाई पड़ती है। आखिरकार क्यों ये गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस के अंदर कम नहीं हो रही? देखिए, ये बात नहीं हो तो अच्छी बात है। पब्लिक परसेप्शन उससे, जैसे आपका परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन उससे खराब जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश में, उत्साह में लोग साथ काम करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी में कभी आपने देखा कोई ग्रुप बंदी? जहां आदमी होगा वहीं वहीं कुछ हमारे कुछ समर्थक है, उनके कुछ समर्थक है, उनके कुछ समर्थक है। ये नहीं होता पब्लिक में, ये शो नहीं होता तो अच्छा था, मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी सीनियर लीडर हैं, बैठ के बात भी हो रही है कि पब्लिक अपने अपने हर जगह, हर जमाने में, हर पार्टी में किसी से कोई ज़्यादा नज़दीक होता है किसी से, लेकिन पब्लिक फेस पे हम सब एक रहते हैं, वो रहना चाहिए। और आप देखिएगा कि अभी 6 तारीख को होने वाला है, सर लगातार हरियाणा की बात हम लगातार आपसे कर रहे हैं, आप कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो फूट पड़ी हुई है, लोग अलग गुट में बटे हुए हैं, एक हो जाएं। लेकिन आप करनाल में खुद मौजूद थे, करनाल में रैली हो रही थी, उस वक्त आपके सामने, आपकी मौजूदगी में ये सब चीजें हो गई? हाँ देखिए, नहीं होता तो अच्छा था, मैंने पहले कहा। और कुछ नहीं, बाकी सारे लोग शांत थे। वो स्टेज के बिल्कुल नीचे कुछ लोग थे जो एक दूसरे को वन अपमैनशिप जो होता है वो कर रहे थे। वो नहीं होता तो अच्छा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे नहीं हो। अभी 6 तारीख को हमारे यहाँ हरियाणा से सब तरह के लोग आएंगे, और आपको एक बात ऐसी नज़र नहीं आएगी जिससे लगेगा कि कोई कोई मतभेद है, सर कोई आप ये कह रहे हैं है, कि, और साथ में सब मिलके काम करेंगे, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चल बिल्कुल, 6 तारीख की रैली की भी बात कर लेते हैं। आपने कुलदीप बिश्नोई जी को बुला लिया, 9 साल तक वनवास झेला कांग्रेस से, हालांकि पुराने कांग्रेसी रहे थे, लेकिन 9 साल कांग्रेस के बारे में पानी पी पी कर कोसा है उन्होंने। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके नेता हैं, उनसे किस तरह की ओह माय गॉड, लाइट सर बार बार जा रही है इंटरव्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी। देखिए ये सब केजरीवाल साहब, पंजाब के लोगों को बताइए, ये केजरीवाल साहब जो डिंग मार रहे हैं, ये लिटल्स दिल्ली है, नेशनल हेडक्वार्टर है ये एक राष्ट्रीय पार्टी का। और आज ही नहीं, अक्सर लाइट चली जाती है यहाँ दिल्ली में। और केजरीवाल साहब पंजाब के लोगों से वादा कर रहे हैं, उनको सब्ज बाग दिखा रहे हैं। बताइए पंजाब के लोगों को कि क्या हाल है दिल्ली का। बिल्कुल, कि यह लाइट जाने की जो प्रॉब्लम है, जैसे कांग्रेस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं इस वक्त आपके ऑफिस में, क्या ज्यादा बढ़ रही है इस वक्त दिल्ली में? हाँ लगातार पिछले, मुझको लगता है कि 1 महीने से जब गर्मी कुछ बढ़ी है तो कई बार, मुझको अंदाजा है, एक दिन 5-6 दिन पहले भी मैं आया था तो मेरे स्टाफ सब खुला हुआ था। मैंने पूछा कि क्यों खुले हो, तो कहा कि सर बिजली बिजली नहीं है। आप भी बैठे हैं, 2 बार बिजली आई है, 2 बार गई है, अभी तो इतने देर से बिजली है, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया। तो अब दिल्ली के इससे ज़्यादा पॉश तो कोई नहीं हो सकता है। आम आदमी को भी परेशानी है, और जो VIP एरिया कहलाता है उसको भी परेशानी है दिल्ली में। वहाँ भी लोग पानी के लिए और बिजली के लिए रास्ता जाम किए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि नहीं, बड़े लोगों की बिजली काट के कोई ठीक नहीं है। केजरीवाल साहब का कहेंगे बड़े लोगों की बिजली काट के आम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आम लोग भी अभी हम आ रहे थे तो रास्ता जाम किए हुआ है बिजली की कमी की वजह कर। चलिए कुलदीप बिश्नोई जी की बात भी कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी की 9 साल बाद वापसी हुई है, वनवास उनका खत्म हुआ है, लेकिन इन 9 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर भला बुरा कहा है। आपको लगता है कि ये गिले शिकवे दूर हो पाएंगे, और क्या उनके आने से भी गुटबाजी बढ़ सकती है कांग्रेस के अंदर? नहीं, अजय सिंह का वो पहले से, वो उनका परिवार कांग्रेस में था, भजन लाल जी के लड़के हैं, मैच्योर पॉलिटिशियन है। ठीक है, जब अलग रहते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरी पार्टियों को। उस दिन भी पूछा लोगों ने, जिस दिन वो आए मीडिया के साथियों ने पूछा, उन्होंने एक ही बात कही कि बीती बात बिसारिए, आगे की सुन ले, कि आगे की बात करते हैं, हम मिलकर काम करेंगे। और उनका अपना भी उन्होंने कहा कि बीजेपी और हरियाणा की खट्टर सरकार से बहुत लोगों को निराशा है, और अगर ये सरकार रही तो हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम साथ आए हैं कांग्रेस के, और मिलकर मजबूती से हम। पंजाब में आपने जगमीत बराड़ साहब की वापसी करवाई थी, उसके बाद फिर आपको ही उनको बाहर निकालना पड़ गया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जगमीत बराड़ साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच आखिर तक बात नहीं बनी, हुड्डा साहब और कुलदीप बिश्नोई के बीच में बात बन जाएगी?
नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई वो इशू नहीं है। हुदा साहब जी शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हुदा साहब सुबह में नहीं थे जब घर पे 10 जनपद पे वो आए थे मिलने अपने लोगों के साथ। हुदा साहब उस वक्त नहीं थे, मगर जब पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ही अनाउंस किया तो मेरे एक तरफ हुडा साहब बैठे थे, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई जी बैठे थे। हम दोनों ने दोनों मिले, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों साथ मिलकर काम करने के। और जब पार्टी का एक बार फैसला हो गया हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट का कि ठीक है छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कांग्रेस में डिसिप्लिन, चूंकि 130 साल से ये पार्टी चल रही है उसका एक बड़ा कारण हमारे यहाँ डिसिप्लिन भी है कि हमारे घर का एक गार्जियन होता है। हम अपनी सब बातें उनको कहते हैं, सबको अधिकार है उनको अपनी बातें कहने का, लेकिन एक बार जब हमारे आला कमान ने कोई फैसला ले लिया तो हम सब उसको मानते हैं। एक लंबा अरसा हो गया शकील जी, आप लगातार हरियाणा के प्रभारी हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आखिरकार ये गुटबाजी कम क्यों नहीं हो रही, और आपको लगता है कि क्या उस गुटबाजी को आप खत्म कर पाएंगे आने वाले वक्त में? नहीं देखिए, एक तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति का काम करने में कुछ लोग उनके साथ हो जाते हैं, कुछ लोग उनके साथ होते हैं, अल्टीमेटली पार्टी के साथ हो रहे हैं। और एक ये दो घटनाएं हुई हैं इसको हम लोग बिल्कुल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस तरह का ये नज़र नहीं आएगा। लीडरशिप से भी बात हुई है और एक बात ये है कि चूंकि हरियाणा की जनता को मिल के हमको खट्टर साहब के जो इस आंदोलन में हुआ, बीजेपी ने और खट्टर साहब ने हरियाणा की, इस बात के लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि चूंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं वो, धर्म के नाम पर हरियाणा में नहीं बांट सकते हैं, कोई लड़ाई धर्म के नाम पर नहीं लगती है, तो उन्होंने जात के नाम पर लोगों को बांट के लगातार इस लड़ाई को उसकाया। सैनी साहब जो लगातार बयान दे रहे थे, मोदी साहब के वो पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर हैं, मोदी साहब पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, मोदी साहब ने एक बार नहीं मना किया सैनी साहब को। और अभी जो कापड़ीवास हैं उनके ही MLA हैं बीजेपी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, उनका स्टिंग भी आ गया सामने, के जान के इसको करवाया गया है, ये ऐसी पार्टी है और ऐसी सरकार है जिसने खुद ही अपने लोगों को कत्ल करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का जो वो दंगा भड़काने वाले सांसद हैं, बालियान शायद मंत्री भी हैं, उनको बुलाया गया और लगातार सैनी साहब यानी दोनों जाट के पक्ष से भी और नॉन जाट की तरफ से भी दोनों लोगों को, दोनों बीजेपी के लड़ा के कि लड़ो तब लोगों को लगेगा कि सचमुच लड़ाई है, और पूरे हरियाणा का माहौल खराब कर दिया गया, हिंसा हुई। और दुख की जो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल आंगन में है और एक शब्द मन की बात में प्रधानमंत्री ने हरियाणा की हिंसा के बारे में दुख तक व्यक्त नहीं किया, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हरियाणा सरकार की बात करें तो जाट आरक्षण आंदोलन को कांग्रेस की साजिश हरियाणा सरकार बता रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे वीरेंद्र सिंह जी की आपकी चर्चा कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे एक ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, वो किसी किसी जमाने में हुड्डा साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, आज नहीं है जिस वक्त स्टिंग हुआ, और वो कह क्या रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ आंदोलन, जब हिंसा नहीं भड़की थी, हमारे यहाँ आंदोलन ठीक से चल रहा है, ये इनेलो वाले झूठ मूठ कहते हैं कि हम जाट आरक्षण को समर्थन दे रहे हैं लेकिन एक कीड़ी नहीं रोक रहे हैं, कहीं हिंसा की बात उसमें नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने उनको, इन्होंने सेडिशन का केस किया, कोर्ट ने उनको ये भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि मीडिया दिखला रहा था तो हमने उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा कि आपको क्या कहना है, लेकिन क्या बताइए, तो बीजेपी के किसी MP से, उस MP से जो लगातार गालियां दे रहा है एक वर्ग विशेष को, उससे एक्सप्लेनेशन पूछा गया, उसको मना किया गया कि क्या आप मत इस तरह की बात बोलिए, जो उनके MLA कह रहे हैं कि बुलाया सरकार ने पक्ष के लोगों को भी विपक्ष के लोगों को भी और दोनों को लड़ा के हरियाणा का माहौल खराब किया, उसके बारे में सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, और न ये कहती है कि हमारा MP झूठ बोल रहा है। MP उनका खुल के 1.5 साल से गालियां दे रहा है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का MP, और उसके अगेंस्ट और काउंटर दोनों भी भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है लोगों को लड़ाने के लिए, और कुछ नहीं, ये हरियाणा के लोगों को नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल हरियाणा के लोग इस बात को समझ रहे हैं और वक्त आने पर वो बताएंगे खट्टर सरकार को कि क्या करना है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिस तरह से तमाम बड़े मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस आलाकमान को निशाना बना रही है, जवाबी कार्रवाई के लिए
कांग्रेस के पास हैं कौन से तेल?